यो ब्रो वी आर गोइंग फॉर इंडिया पंच जंपिंग। ये मेरे को पकड़ रहा, तेरे को ले ही नहीं। वो भी है सब्जेक्ट, उधर भी है एक, छोड़ देता हूँ। एक यो है अपना एसी का, ये पीछे बरका है वनकनी का जी। अरे भाई अभी बरका ही नहीं है, आगे खड़ी। याशिका सर आप हमारा नाम नहीं लेते, अब बरका नहीं। को इतना नो नो नो, मेरे को सबका नाम पता है। वो सभी को पता है उसको। मैं सोचा वो मांग रही है, मैं भूल गया। पर उसको ये नहीं पता ना कौन कौन कान है। हाँ उसे देखी नहीं ना शक्ले कभी। चलो ठीक है भैया, स्टार्टिंग में हमारी गलती होगी है। और सबसे स्टार्टिंग में आज जो पंक्चुअल बंदा ना, वो आज सबसे लेट आया है। और ये लेट लतीफ जी आज पहले आए हैं, मुझे नजर लग गई है इनको, उल्टी वाली नजर लग गई है। और मुझसे पहले तो ममता मैम आ गई थी आज तो। आज मैम फर्स्ट आए हैं। और मैंने सोचा कि मैं लेट गई थी आज, कि हमने गालियां सुनानी। मैंने कहा आज मैं गालियां दूंगी। हाँ मुझे दे दो, आई एम वेरी वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर देम। और वो बरखा जी तो रात भर सोई नहीं, हमने ऐसा सुना है। रोड पे खड़ी हुई रात से, इनको कॉल मुझे कहती ममता कॉल करके उठा देना। मैंने कॉल किया दोनों को, सुबह सुबह ममता का फोन, हेलो उठ जाओ। मुझे तो 3:30 बजे के बाद नींद ही नहीं आई। 4 बजे उसको मैसेज करके बोल रहा हूँ हमें शूज पहन के आना सारे जने। चलो चलो चलो, आज मैडम गाड़ी चला रही है, आप सबको तो पता ही है कि गाड़ी में जा रहे हैं और मैं हूँ, तो इसका मतलब आज गाड़ी भाई तेरा चलाएगा। पर आज तेरा भाई चला रहा है, आज ये बहन वाला भाई चला रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। हम चाय नहीं पीते विकास, पता है बिल्कुल वॉशरूम के साथ की जाना आएंगी आंटी वहाँ से फ्रेश होके और हाथ भी नहीं धोएगी, चाय बनाने लग जाएगी। तो बंद कर दी पीनी भैया, सुसु करके आइए ना, हाथ धोए ना कुछ। अब हाथ में पानी तो डाल ले, सुसु क्या चाय रख। अभी वो नहीं भर सकती, सबको मार के टपकेगी। हमने भाई हंसती है, चुड़ैल हंस रही है। हम सोचते हैं, हाँ सही में हम सोचते हैं टूने वाली वो गुड़िया ले आए काली सी, इसके कपड़े फेंक दे। चलो आई अरेंज देम। अच्छा तुम लोग तो स्कूल जाते ही, वरना अगर तुम लोग नहीं जाते ना, मैं रात को जाकर चुपचाप उसके कमरे फेंक के आ जाता। आप लोग स्कूल में फेंक देना, मैं घर पे जाकर फेंक पाऊंगा। मेरे पीछे पड़ गया, इसकी फोटो खींच के देख लो, कहीं पता चले हमारे साथ आत्मबोध में बैठी हुई है। ओए लेट मी चेक, नहीं आ रही है भाई, आ रही है। ठीक है ये देखो बरखा चमन चूतिया हो रही है। बेटा रिकॉर्ड हो गया, सुनाऊंगा उसको। उसके लिए स्पेशली हम अंदर आए हैं कि उसको दिक्कत ना हो। हाँ भाई तुम भी वीडियो बनाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रुक जाओ पूरा शमशान घाट का आ रही है। उसके पापा कह रहे हैं मुझे नहीं पता, जो बोला वही उतारूंगा मैं। नहीं देखा शमशान घाट के आगे रुकी, आगे वो देखो, फिर देख सर्विस लाइन में उतर रही है बिल्कुल। भाई तब तो बाहर आ जाओ, मेरे को लगता है इसके फादर की 3-4 उबर है, तो जहाँ ड्रॉप डाला वही रुकूंगा। चलो हम तो सहूलियत देख रहे थे कि चलो अंदर अंदर से चलते हैं। मैं कहा पापा ये बाहर ना होने के लग रही है, गाड़ी ओपन कर रहे हैं। ये तो दिखी नहीं क्योंकि ये लगा हुआ था, वही दिख रही थी। हमने पता कैसे अभी तक एंजॉय किया था। एसी बंद कर दे चुपचाप, सबका अलग रूटीन है, सब फैन चला ले, यू नो विंडो कलर मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। ये भी बता दे, मैं पर्सनली कहती हूं ममता मेरा एक कुत्ता ले लो, इसको बहुत नीड है। तुम्हें कोई टेंशन नहीं, मैं इंजेक्शन भी लगवा के दूंगी, मैं खाना भी दूंगी मंथली उसका, सैलरी तुम देते नहीं हो। अच्छा उसके कुत्ते इतने नॉटी है कि कोई कुछ किसता कोई कुछ किसता, उसको बोलो विकास कोई पाल ले। देखो पता है वो स्कूल में सर, ये तो मेरा पर्सनल बॉयफ्रेंड है। और मैं ऐसी बातें कर सकती हूँ क्योंकि मेरी एज लिमिट हो गई है। अच्छा एज लिमिट हो गई, हमारी नहीं हुई, तू तो बुढ़िया हो गई। शक नहीं होगा क्योंकि रात को अब मैं किसी से भी चैट कर सकती हूँ। अब मुझे उस दिन कहती हूँ मीटिंग में, बरखा तो ऐसे मुझे देख रही है जैसे उसका कोई बॉयफ्रेंड बाहर खड़ा हो वेट कर रहा है। बताइयो थप्पड़ मारना है। और वो उल्लू का बट्टा उसको क्या गाली दो, कहता है ये जो लड़कियाँ प्लाजो पहन के आती है इतने बड़े बड़े होते हैं, 6-4 आदमी घुस जाएंगे तो तेरे साढ़े में कितने घुसेंगे, थोड़े थोड़े 4 घुसेंगे ना। नॉनसेंस, तेरे में तो आराम से हम कॉन्वर्सेशन होगा। बर्थडे था उसका, केक उसके लिए मंगवाया,
ऐसा लग रहा था उसमें क्या क्या गिर गया होगा, हम खाए कि नहीं खाए। और ये यशिका, आपको मैंने कैसे बोला? वहाँ पे सब खड़े आराम से, बरखाई यशिका मैम केक खाना शुरू करो। भाई क्या हो गया? छोले भटूरे वाले दिन मुझे कहती उसने पार्टी थी नेक्स्ट डे अपने बर्थडे की, छोले भटूरे भाई गंदे से तेल में तले हुए, एक एक गुलाब जामुन रखवा देती है। ये रहा बंजी जंप का ट्रैक है, जो भी बोलते हैं इसको, प्लेटफॉर्म जहाँ से कूदने का, गुड़गांव 56 सेक्टर में। यहाँ पे ये बच्चों का क्रिकेट ग्राउंड भी है। अब अंदर तो शायद कैमरा अलाउ नहीं है, उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया है वीडियो बनाने के लिए। इश्यूज हैं तो उस पे आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद ये पीछे इंडेमनिटी फॉर्म जो होता है आपका, लायबिलिटी वगैरह जो हर एडवेंचर स्पोर्ट्स में भरा जाता है वो, ठीक है। फॉर्म वॉर्म भर दिए हैं, अब बस अपन जा रहे हैं जॉब के लिए, तो हमें अपने कैमरा वैमरा सब फोन सब यही सबमिट करके जाने पड़ेंगे। ये मैडम जी की फट रही है, बस वैसे ही दांत दिखा रहे हैं। अच्छा बच्चों, जिस जिसकी फट रही है हाथ उठाओ, जिस जिसकी फट रही है हाथ उठाओ। ये देखिए हरे वाले को तो कर दिया उसने। अच्छा ये बाल इधर खुले में कोई टेंशन तो नहीं है? कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं, सुनीता विलियम्स ही बन जाएगी थोड़ी देर, कहीं अड़ जाएंगे फिर। अच्छे से डाल लिए भैया, आंटी मैनू काट देगी, शादी नहीं हुई अभी, लड़का भी नहीं देखा। नहीं मैंने देख लिया, ऐसे टाइट बांधना मेरा, आधे घंटे तक खुले ही ना। स्पाइडरमैन बन गई, स्पाइडरमैन दो इकट्ठी लगानी पड़ेगी उसके हार्नेस डबल। भैया सिलवा करके, भैया आप सोच रहे होंगे ना कितना बोल रहे हैं, कौन से जेल से छूट के एक डांस करके दिखा। इसकी तो देखो, इसको राफी का साइज का बनवाया है, इसकी देखो, इसकी देखो, ये है कौनिका, मुझे हंसी आ रही है।
अभी भैया खींचेगा तेरी हंसी। ये है कॉनिका, इसकी हार्ट बीट इतनी तेज हो रही है, बहुत डर रही है ये एक्चुअली। अब देखो कितना ग्लो आ रहा है इसके फेस पे धीरे धीरे, कितनी खुश नजर आ रही है। पहली राइड इसकी, वेरी गुड करिका, वेरी गुड। तिहाड़ जेल में जा रहा हूँ, पक जाऊंगा। है याशिका मैम? यस स्वीटी। क्या 10 फीट? कनिका को सिर्फ तैरना 2 फीट तक आता है। बाकी के 8 फीट भैया के नाम। आप अंदर आकर भी पकड़ लेना। क्या कनिका को? हाय हाय कितनी गंदी लग रही हूँ। लोली लग रही है आज। 3, 2, 1 बंजी। विकास कैमरे की तरफ देखो, इधर कैमरे की तरफ हाई कर दो। कैसा लग रहा? मजे में। कैमरे रेडी? काउंट ऑफ 3, 2, 1 बंजी। विकास कैसा रहा एक्सपीरियंस? मजा डर? वेरी गुड गुड। बरखा हेलमेट गिर गया। कितना झूल रही है वीडियो। बरखा हेलमेट गिर गया। बंजी जंप हो गई है, मस्त एक्सपीरियंस था। एक मिनट के लिए तो फट गई थी भाई, सही बताऊँ तो। जब वहाँ पे गया ना एंड मोड में जहाँ खड़े करते हैं, मैं भाई ये तो गड़बड़ मामला है, पर इट वाज ओके। फिर जैसे किया ना और नीचे कुछ कुछ जमाते 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 जमाते, फिर एक जैसे जंप हुई, फिर उसके बाद थोड़ी सांस ली, फिर वो दोबारा ऊपर खींच लिया, और मतलब बैस के फिर कहा जा रही है, वो इलास्टिक का जंप होता ना, उसके बाद फिर मज़ा आया। फिर थोड़ी थोड़ी जब वीडियो बने, फिर डांस करने के लिए एक्टिंग कर ली। फटी हुई थी पर बस वो उस टाइम भी फटी थी ऊपर ही, पर मज़ा आया। सिक्सटी फीट की ऊँचाई है यहाँ इंडिया बंजी जंपिंग पे। आप यहाँ आओ, मस्त सारे बंदे हंसी मजाक वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये मोटी कहाँ जा रही है? ओके इसको जरूर देना। She is the most fattu member of our team. इतने डरपोक है, 2 चांस मिलने के बाद भी इससे कुछ नहीं हो पाया। Nonsense. नीचे आकर के दांत खड़े किए, डर गई थी। मैं तो डर गई सी। वैसे बोल यही बनती है सबसे ज्यादा। ओ भैया मेरी आंखा का नूर लेके आ रही है आंटी। ओए आंटी नहीं भाई, वीडियो में देख लेगी। डायनासोर कहीं की रोपड़ी थी, इतनी गाली आसमान चल के कूद जाती, इतनी गाली ना दे फट्टू को खा ले। उसने वही तो बोला कि एक घर पे जाएगी ना, हमेशा इसको यही फील होता रहेगा कि मैं क्यों नहीं कूदी, तो अगली बार जब आएगी तो कूद जाएगी। डरपोक कहीं की एसहोल। जो आगे स्टाफ थे उन्होंने हमें बताया कि ऐसे डबल चांस कभी दोबारा नहीं लेना चाहिए कि पेमेंट देके बंदे कितने 3-3 बार पेमेंट कर देते हैं ऑन द स्पॉट, पर तीसरी बार भी कूद नहीं पाते, बेचारे वैसे ही घर चले जाते हैं।
तो दे शुड प्रेफर टू कम नेक्स्ट टाइम, क्योंकि पहले दिन में उतनी हिम्मत होती ही नहीं, अगर होती तो हमें दूसरे चांस का मौका ही नहीं लेना पड़ता। इसलिए अगर नहीं हो पाता तो ना आए, वरना एक बार ही आंख बंद करके फतेह कर दे, जो होगा देखा जाएगा। मेरी तरह बोल्ड होना चाहिए। नहीं चीखा था तू? एक बार भी नहीं चीखा था। चलना जब कूदी थी निकली नहीं। ओ भाई yes, चल ठीक है। और ये जो कूदा ही नहीं वो कितना बार चीखा उसका क्या पता। लाटरी ऊपर से चिड़िया गई, मैं सोचा अंकल कूद गया ऊपर जा रहा है। छोटी स्क्रीन है भाई कैमरे की अपने की। हाँ वो भैया कूदी तो है नहीं, अपनी मम्मी को बता रही कि देखो मेरी फाट गई थी तो मैं कूदी नहीं इतना ऊंचा था। मैं छठे फीट। अच्छा वो मैं पहले नहीं पता था भाई। नो क्या हम तो दिखाते भी है। देखने वाला चाहिए भाई 25वां फ्लोर हाइट। तू अपना मैसेज चेक करना भाई, तू नंबर तो पटाख से दे, ले बेटे मेरा नंबर ले ले। उसने कहा था आप नंबर दे दो मैं भेजता हूँ। हाँ तो मेरा देती ना अगली। ओ, ये तो मैं सोचा ही नहीं था। नहीं यार उसको नहीं आया। 60 मीटर था, मैं 60 फीट से मर के कूदा हुआ था। मैं तो 60 फीट तो 6 फ्लोर ही था बहन जो। पर वो अच्छा हुआ भाई पता चल गया कि मतलब बाद में 25वां फ्लोर है वो जो कूदी नहीं उसने बताया कि 25वां फ्लोर है। हमें पहले से पता था थोड़ी हमारी और ज्यादा फटती पर सही था नहीं पता था। तो एरोप्लेन में रेस्टोरेंट खोल लिया और मित्रा ने पाली टोपी और फोटो शोटो खिंचाना थोड़ी बहुत। यहाँ फोटोशूट चल रहा है। लेस्बियन क्या यार रशिका, आप इतने सालों से मेरे साथ रह रहे हो और आप अच्छे से लेना नहीं सीखे अभी तक। एंड हियर कम्स विकास, क्लास 5 का भी है इंटीग्रेटेड टॉपिक सभी का है भाई। बस जो था यही तक था। इट वाज नाइस। तू चढ़ेगा? चढ़ो ला। इधर से घूम 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 नहीं होगा तेरा, सब सामान ही दिख जाना है। चलो चले ममता मैम, इस पे करो ना आप क्लाइंब। क्लाइंब करो उस पे, इस पे नहीं ना, वो जैसे वो बच्चे लटक लटक के चलते हैं ऐसे। कूदो 1 2 3। मैं गोदी में उठा मैंने तो ऐसे किया है विकास। हाँ चलो इसी पे पुशअप कर लो। वीडियो बनाओ विकास। बन रही है। ये क्या कर रहे हो? हर पल में, हर छोटे-छोटे पल में खुशियों का एहसास। चल ये वाला तो मैं कर लेता हूँ। ले मैं स्वर को कर सकता हूँ। तो मेरा हाथ नहीं, मैं स्वर पे कर सकता हूँ। गो, हर कोई नहीं कर पाता। यस वो कह रहे थे ऊपर, कह रहे थे बहुत लोगों ने अबॉर्ट कर रहे हैं। What was this? ये ले। तो फिर तू क्या करने की कहती? चल चिन अप्स कर।
नहीं अभी नहीं हुई, मैं तो कर ही नहीं। इसने बेच का है, गंदी बच्ची। उसको सैलरी नहीं मिली ना, तो उसने वही बेच का है मैनर्स। वो फेविस्टिक साथ में लाई थी। हाँ जी, आप सब देख सकते हैं, ये वही है जिसने सबकी वीडियो बनवाई और अपनी वीडियो नहीं बनवाई। बहुत मजा आया। You also try this once.